This is very very important concept of serverless tutorial. ओके वैसे इसका जो है उतना ज़्यादा यूज नहीं है, अगर उसे इम्पोर्टेंट भी उतना नहीं माना जाता है, लेकिन एज अ बिगनर इन जे टू ई ई ओके एज अ बिगनर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होंगी. ओके तो ये एक जो है सर्वलेट के टफ कॉन्सेप्ट में ये एक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है. तो ये एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट है. अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, चाहे वो टफ हो या इजी हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सर्वलेट ट्यूटोरियल का. एक जो है मतलब बिगनर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्वलेट कॉन्फिग से. ठीक है, तो ये भी एक इंटरफेस है सर्वलेट कॉन्फिग. देखिए पिछली बार जो है अभी अभी जो है सपोर्ट फोरम में जो है हमारे कोर्स के, उसमें किसी ने पूछा कि हमने आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग कोर्स है उसमें हमने एक्सेस किया एंड ओप्स कॉन्सेप्ट इन जावा, उसे भी जो है हमने इनरोल किया जो कि बिल्कुल फ्री है. तो उसमें हमने देखा था कि इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो है बकायदा बोला जाता है कि एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो है हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसका यूज किया. एक्चुअली में फ्रेंड्स देखिए इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इंटरफेस का आप एक रेफरेंस वेरिएबल जो है वो बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है. जब बताया जाता है कि हाँ भैया देखिए पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था रिक्वेस्ट डिस्पैचर का हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, कि एक्चुअली में रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस को जो क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है उसका ऑब्जेक्ट मिलता है. ठीक है, जिसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंटरफेस, मींस रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल. ओके तो हम उस रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस के मींस इंटरफेस का वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रही है, पॉइंट कर रही है जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस को जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है. तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उस क्लास से कोई लेना देना नहीं है. हम बस ये चाहते हैं कि इंटरफेस के मेथड को जो डिफाइन कर रहा है हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए बस. ठीक है, जिसको हमारा इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है टारगेट करेगा एंड उस मेथड को कॉल करके जो है हमारा टास्क परफॉर्म होगा. ठीक है, तो इसलिए जो है बोला जाता है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट चाहे वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस हो, चाहे वो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस हो या रिस्पॉन्स इंटरफेस हो. ओके तो सब अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं व्हाट इज सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस. तो सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस में जो हम है उनके मेथड यूज करेंगे. ठीक है, जाहिर सी बात है इंटरफेस का मेथड जो है इंपॉर्टेंट होता है, हम उस मेथड को यूज करने के लिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े. तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. सबसे पहला तो सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस होता क्या है एंड सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस में क्या मेथड्स हैं एंड उस सर्वलेट कॉन्फिग के ऑब्जेक्ट को कैसे प्राप्त किया जाए. तो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे यही बोल रहे हैं, हाउ टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग. इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसका मतलब ये है कि सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस को जो क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके ऑब्जेक्ट को हम कैसे प्राप्त करें वो हमको जो है यहाँ पे पता लगाना है. ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है. तो फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, सिंटेक्स टू प्रोवाइड द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फॉर अ सर्वलेट. ओके एंड उसके बाद जो है फाइव एंड सिक्स पॉइंट है, हम सर्वलेट कॉन्फिग का एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि सर्वलेट कॉन्फिग होता क्या है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर फॉर ईच सर्वलेट. तो देखिए सर्वलेट कॉन्फिग जो है वो प्रत्येक सर्वलेट के लिए काम किया जाता है एंड वो सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कब कब होता है बाय द वेब कंटेनर. ठीक है, तो प्रत्येक सर्वलेट मीन्स प्रत्येक सर्वलेट के लिए ईच सर्वलेट के लिए वेब कंटेनर द्वारा सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, तो दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट कॉन्फिगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब डॉट एक्सएमएल फाइल. मीन्स कुछ कॉन्फिगरेशन इंफॉर्मेशन जो रहती है वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में रहती है प्रत्येक सर्वलेट के लिए, जो हमें कैसे मिलता है जब हम उस सर्वलेट को वेब कंटेनर में डिप्लॉय करते हैं तो वेब कंटेनर एक
हमें सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काहे के लिए, तो ये आगे देखते हैं। इफ द कॉन्फिगरेशन इन्फॉर्मेशन इज मॉडिफाइड फ्रॉम द वेब डॉट एक्सएमएल फाइल तो वी डोंट नीड टू चेंज द सर्वलेट। ठीक है, ये एक मोस्ट मीन्स इम्पॉर्टेंट जो है इसका एडवांटेज है सर्वलेट कॉन्फिग का। ठीक है, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग उस सर्वलेट के हम उसमें चेंज करते हैं तो हमें सर्वलेट में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमें सर्वलेट को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं वो हम वेब डॉट एक्सएमएल से कर सकते हैं। तो सो इट इजियर टू मैनेज द वेब एप्लीकेशन इफ एनी स्पेसिफिक कंटेंट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हम समय अनुसार जो है हम जब भी हम हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सिंपल जो है उस सर्वलेट के वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के उस सर्वलेट में जो भी पैरामीटर्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करके जो है हम अपने वेब एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्वलेट कॉन्फिग का। तो द कोर एडवांटेज ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग इज दैट यू डोंट नीड टू एडिट द सर्वलेट फाइल इफ इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड फ्रॉम द वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। तो इसमें भी यही कह रहा है कि आपको एडिट या मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है सर्वलेट फाइल को क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन में मॉडिफाई करना है वो हम वेब डॉट एक्सएमएल फाइल से कर सकते हैं। ओके, एंड आपको पता है वेब डॉट एक्सएमएल फाइल क्या होता है? ये एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, ठीक है, जिसमें पूरे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो हम मेथड्स देख लेते हैं सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस में क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड्स है, इसमें एक गेट इनिट पैरामीटर होता है जिसके द्वारा जो है हम उस इंफॉर्मेशन की या इंफॉर्मेशन की वैल्यू को मीन्स प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करता है, रिटर्न द पैरामीटर वैल्यू फॉर द स्पेसिफाइड पैरामीटर नेम। ठीक है, तो वेब डॉट एक्सएमएल में नेम वैल्यू पेयर में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है तो हम जो है नेम के पैरामीटर नेम के द्वारा जो है उस वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है पब्लिक एनुमरेशन गेट इनिट पैरामीटर नेम। ये क्या करता है, रिटर्न एंड एनुमरेशन ऑफ ऑल द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर नेम। ठीक है, तो हमने जितने भी पैरामीटर्स वेब डॉट एक्सएमएल में स्टोर किए रहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। ओके, एंड थर्ड मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट नेम। तो ये क्या करता है, रिटर्न द नेम ऑफ द सर्वलेट। एंड फोर्थ पॉइंट है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के द्वारा जो है हम ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं किसका, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का। ओके, तो हमें हाउ टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग, मैं पहले बताया था कि सर्वलेट कॉन्फिग एक इंटरफेस है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलता हमें, उस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है जो सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है और उसके मेथड को डिफाइन किया होता है। ठीक है, तो इसे हम इसके कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड को, सर्वलेट इंटरफेस रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। ठीक है, तो इसका कंप्लीट मेथड हो जाना कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिलता है, एक्चुअली में ऐसा लिखा है लेकिन वो मिलता नहीं है। ठीक है, इसे हम जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो हमें केवल उस मेथड से डील करवाता है जो हमें चाहिए, ना कि और एक्स्ट्रा अदर मेथड से। ठीक है, इसलिए जो है इंटरफेस का मीन सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से सिंटेक्स है उसका कि आप जो है सर्वलेट कॉन्फिग का एक रिफरेंस वेरिएबल बनाइए। तो सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस का हमने रिफरेंस वेरिएबल बनाया इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फिग जो है ये मेथड को कॉल करेंगे जो कि एक सर्वलेट कॉन्फिग का जो है ऑब्जेक्ट देगा हमें। ठीक है, ये क्या हुआ, देखिए हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड की हेल्प से जो है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ये उस क्लास के अंदर जो है इस इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि रिटर्न कर रहा है क्या, उस इंटरफेस को। ठीक है, तो जो है इंटरफेस को ही वो रिटर्न करता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम जो है एक एग्जाम्पल के रूप में समझ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में सर्वलेट के रिगार्डिंग जो है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सपोज ये कोई सर्वलेट है एंड वेब डॉट एक्सएमएल में सर्वलेट की मैपिंग एंड सर्वलेट क्लास का नाम किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको पता है। तो सपोज यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया सर्वलेट नेम एंड क्लास हुआ एंड यहाँ पे नीचे उसकी URL मैपिंग होगा जो कि सर्वलेट के अंदर होगा। ठीक है, एंड उसमें हमने एक इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है इनिट पैरामीटर इनिट परम टैग का यूज करके। तो हमने सबसे पहले इनिट परम का टैग यूज किया एंड उसके अंदर परम नेम, ठीक है, जो कि पैरामीटर नेम को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर उसका नेम होगा एंड परम वैल्यू जो परम पैरामीटर नेम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हमने जो है वेब डॉट एक्सएमएल को
कोडिंग कर दी है। अब उसे कॉल कैसे करेंगे? तो कॉल करने के लिए जो है हम सिंपल उस पैरामीटर नेम को जो है कॉल करेंगे, पैरामीटर नेम को डॉट इस मेथड का यूज करके। कहाँ गए, गेट इनिट पैरामीटर था ना, ये गेट इनिट पैरामीटर में, एंड उस इनिट पैरामीटर का जो है यहाँ पे नेम लिखेंगे, जिसे वो एक पैरामीटर की वैल्यू रिटर्न करवाएगी। तो ये सब की जो है हम एक इक्लिप्स आईडी में कोडिंग कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं इक्लिप्स आईडी ओपन करता हूँ एंड अपना फर्स्ट सर्वलेट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसके पहले मैं जो है अपना वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में इसकी जो है इन्फॉर्मेशन की कोडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है हमारा वेलकम फाइल लिस्ट, वेलकम फाइल लिस्ट में जो है हमारा वेलकम सीधा सर्वलेट वन पे करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सर्वलेट वन, तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो सर्वलेट वन ओपन हो जाएगा। ओके, एंड दूसरा क्या है, उसके बाद जो है हम अपना सर्वलेट जो कि फर्स्ट सर्वलेट है, सर्वलेट का नाम फर्स्ट एंड उसके क्लास जो कि फुल्ली क्वालिफाइड क्लास है, जो कि पैकेज नेम के साथ है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एंड उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे इनिट परम टैग का यूज करके पैरामीटर वैल्यू सेट कर दिया। ठीक है, पैरामीटर वैल्यू मीन्स पैरामीटर नेम ड्राइवर एंड पैरामीटर वैल्यू ये। ठीक है, तो ये जो है डेटाबेस के रिगार्डिंग ड्राइवर है एंड उसका जो है वैल्यूज है। ठीक है, तो जब भी हम DBMS जो कि हमारे कोर जावा का में किस तरीके से JDBC के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट से कनेक्टिविटी की जाती है, उसका ये ड्राइवर है, उसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने कुछ रखा है सिंपल पैरामीटर नेम एंड वैल्यू। ओके, एंड सर्वलेट की मैपिंग कर दी है, जिसमें फर्स्ट सर्वलेट जो नेम है, जो क्लास है फर्स्ट सर्वलेट, उसका हमने यहाँ पे URL पैटर्न बना दिया है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये जो इनिट पैरामीटर है, ये हम जो है सर्वलेट को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड उसके रिगार्डिंग, उस सर्वलेट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, वो हम इस टैग के अंदर यूज करते हैं, इनिट परम के टैग के अंदर। ठीक है, नेम एंड वैल्यू पेयर में। ओके, अब इसे हम गेट कैसे मीन्स प्राप्त कैसे करते हैं, तो हम फर्स्ट सर्वलेट में चले जाएंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले सेट कंटेंट टैग सेट करेंगे, जो कि टेक्स्ट HTML रखा है हमने। उसके बाद हमने जो है ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया प्रिंट करने के लिए, एंड सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए यहाँ पे हमने सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, जो कि हमें सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट देगी। एंड उसके बाद जो है हमने एक ड्राइवर नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जिसमें हमें क्या मिलेगा, उस रेफरेंस वेरिएबल से जो है हम उस सर्वलेट कॉन्फिग के इंटरफेस के मेथड को कॉल करेंगे, जो कि एक गेट इनिट पैरामीटर, जिसमें हम पास करेंगे ड्राइवर। ठीक है, तो ये ड्राइवर क्या है, ये एक पैरामीटर नेम है, जो अभी हमने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ड्राइवर, अब ये ड्राइवर को हमने कॉल किया, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, वो यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, ऊपर हो गया। ठीक है, ये ड्राइवर जो है हमें एक पैरामीटर वैल्यू देगा, पैरामीटर वैल्यू जो है हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ड्राइवर इज जो उसकी वैल्यू है, पैरामीटर नेम ड्राइवर का, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। बस कंप्लीट, इस तरीके से हमारा कोड रन हो गया। देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके लाइब्रेरी क्लास को इम्पोर्ट नहीं किया था। जैसे ही हॉवर करेंगे, ये हमें इम्पोर्ट करने के लिए कहेगा, तो हम यहाँ पे इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एरर हट गया। इसे हम जो है इंडेक्स डॉट HTML फाइल ही रखते हैं। ठीक है, इससे जो है हम लिंक करा लेते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होता है वेलकम फाइल लिस्ट में, इसे देखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार होता है कि सर्वर लोड नहीं ले पाता सर्वलेट को, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ गया, ड्राइवर इज एंड उसकी वैल्यू, ड्राइवर की वैल्यू जो कि हमने वेब डॉट XML फाइल में पैरामीटर वैल्यू लिखी थी। ठीक है, सन डॉट JDBC.ODBC JDBC ODBC ड्राइवर, जो कि एक DBMS जो कि हमारे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का ड्राइवर है, हमने वहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा दी। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा सर्वलेट कॉन्फिग यूज होता है, जिसमें हम वेब डॉट XML फाइल में सर्वलेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, उसे हम इनिट परम टैग के अंदर पैरामीटर नेम एंड वैल्यू पेयर में लिख देते हैं। एंड उसके बाद जो है सर्वलेट में जो है उस पैरामीटर नेम की वैल्यू को हम जो है मीन्स गेट करते हैं। ठीक है, जिसे हम एक ड्राइवर नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा दिया एंड सिंपल उसे प्रिंट करा दिया। लेकिन अब बात होती है, अगर
सर्वलेट में एक से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रखना हो सर्वलेट के रिगार्डिंग, तो वो कैसे रखेंगे? उसके लिए हमने जो है सर्वलेट टू यूज़ किया है, ठीक है, जिसमें हमने जो है सेकंड सर्वलेट, जिसके अंदर हमने दो इनिट पैरामीटर टैग यूज़ किया है, ठीक है, जिसमें दो पैरामीटर नेम एंड वैल्यू पेयर को यहाँ पे स्टोर कराया है। ओके, तो इसे हम देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, इसमें हमने पैरामीटर नेम, यूज़र नेम एंड उसकी वैल्यू सिस्टम रखा है, दूसरे इनिट पैराम के अंदर पैरामीटर नेम, पासवर्ड एंड पैरामीटर वैल्यू ओरेकल लगा है, ठीक है, ओरेकल एंड उसी तरीके से। लेकिन अब इसे हम स्टोर कैसे करेंगे? ठीक है, पहला तो था कि एक पैरामीटर था, पैरामीटर का नाम लिखा एंड वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें अगर बार बार उसमें नाम, या देखिए सर्वलेट कॉन्फ़िग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें सर्वलेट में एडिट ना करना पड़े, ठीक है, हमें सीधा उसकी वैल्यू मिलते रहे। ओके, हमें अगर हम एडिट करना भी चाहें तो केवल वेब डॉट एक्सएमएल में एडिट करें, जिससे सर्वलेट में कुछ एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए हमने क्या किया, एनुमरेशन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, ठीक है। एनुमरेशन क्या होता है, ये हमने इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग में पढ़ा है एंड उप कॉन्सेप्ट इन जावा में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनुमरेशन का यूज़ करके जो है हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सर्वलेट कॉन्फिग का यूज़ किया, जो कि एक सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एंड उस रेफरेंस वेरिएबल के मेथड से जो है गेट इनिट पैरामीटर नेम्स वाले मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिसके बाद जो है हमने एक वाइल लूप यूज़ किया है, जिसमें ई डॉट हैज़ मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पैरामीटर नेम रिटर्न करता है, ना कि पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही हमें नेम मिलेगा तो हम उसे क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग str जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम प्रिंट एलन की हेल्प से जो है उस नेम को प्रिंट करेंगे एंड उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, किसकी हेल्प से, इस कॉन्फिग रिफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। तो कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, इसका str, str क्या है, वो पैरामीटर का नेम है, ठीक है, जो कि यहाँ से मिल रहा है हमें, ठीक है। एंड वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक हमें पूरा एलिमेंट जो है एंड नहीं होता, एंड मीन्स मिल नहीं जाता, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा। तो मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या करता हूँ, इसके URL पैटर्न को जो है चेंज कर देता हूँ, सर्वलेट टू कर देता हूँ, जिससे सर्वलेट टू में जो है हमारा जो टारगेट है वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेम, पासवर्ड, वैल्यू, ओरेकल, ठीक है, एंड नेम, यूजर नेम, वैल्यू, सिस्टम। तो इस तरीके से जो है पैरामीटर का नाम एंड पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग जो है प्रत्येक सर्वलेट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, कहाँ से, वेब कंटेनर से, जो वेब डॉट एक्स एम एल फाइल के रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन रहता है उसे स्टोर करता है एंड उसे प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग में हमने देखा उसका यूज़ क्या है। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसका दूसरा हिस्सा है, वो है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, ठीक है। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस क्या करता है, वो पूरे सर्वलेट मीन्स पूरे सर्वलेट को रिफर करता है एंड उसका एक ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करता है बाय द हेल्प ऑफ वेब कंटेनर, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फ़िग में हम हर सर्वलेट के लिए अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, लेकिन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में है जो है सभी सर्वलेट के लिए एक ही ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का, जिसमें उस सारी सर्वलेट के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में होंगी। इससे होगा क्या कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें हर सर्वलेट जो है एक कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।